वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माई चैनल रोहित जन इंदौरी एंड वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। तो आज है संडे 1st of August एंड आज मनाली का बर्थडे है, तो वी आर प्लानिंग टू गो कृष्णगिरी टुडे एंड वहाँ पर पद्मावती जैन टेम्पल है, बहुत ही बड़ा टेम्पल है एंड वहाँ पर हम जाएंगे। एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ KRP डैम जो कि बहुत ही बड़ा डैम है, हम आफ्टर द टेम्पल वहाँ पर भी जाएंगे। एंड मेरे घर से 95 किलोमीटर्स है दिल जैन टेम्पल। हम कर्नाटका में रहते हैं और जो कृष्णगिरी है वो तमिलनाडु में है, तो मेरे घर से अराउंड 15 किलोमीटर्स में तमिलनाडु बॉर्डर आ जाती है। तो बने रहिए वीडियो में एंड एन्जॉय द वीडियो। ओके, तो सारा सामान कार में लोड कर दिया है और अभी हो रहे हैं 9:24, तो बस अब निकल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आज मनाली का बर्थडे है, तो अभी फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहे हैं एंड अभी हो चुका है 9:26, तो आप निकलते हैं। शादी भी करना है और काटी भी करना है, चाटी भी करना है। बोला था मैंने। ये चल रही है बातें। तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी दिखा रहा है 94 किलोमीटर्स एंड 1 hour and 40 minutes। सो रेयांश, आर यू एक्साइटेड? या। यस, यू वांट टू गो टेंपल एंड पार्क? Temple. Temple? There is a big park as well. Yeah. And big dam. Yeah. So much water is there. Yeah. You want to see that? Yeah. Okay. Well, see you guys. See you guys. सुशील धाम आ गया हमारा जैन टेम्पल, पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये है फेमस चेन्नई की सिल्क साड़ियों का शोरूम, ये है नाम इसका चेन्नई सिल्क्स। ये देखिए, ये चेन्नई में बहुत ही फेमस है। अभी 11 बजे है और हम मैकडी पे रुके हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके निकलते, बिकॉज मॉर्निंग में सिर्फ कॉफ़ी पी थी दोनों ने, तो अभी 11 बज गए तो हमको थोड़ी भूख लग गई और रेयांश को भी भूख लग गई थी। तो हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी यहाँ से ओनली 46 किलोमीटर ही बचा है, तो अराउंड 40 मिनट्स और लगेगा, बट 30 मिनट्स में कवर हो जाएगा बिकॉज हाईवे बहुत अच्छा है। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते और निकलते हैं। आ गए हैं कृष्णगिरी पद्मावती जैन टेम्पल में एंड अभी बज रहा है 12:15। एक्चुअली हम बहुत स्टॉप ले लेके आए हैं, बिल्कुल स्लो आए, ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलाई, तो और ऑलमोस्ट 2 hours के ऊपर लग गया, बट दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर भोजन भी अवेलेबल है पीछे, तो वहाँ पर फिर भोजन करेंगे। तो ये रहा पीछे पद्मावती माता का मंदिर, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे, इधर के साइड धर्मशाला है और इधर और मंदिर है। यहाँ पर जब लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पर बन रहा था, बट अभी बन चुका है आई गेस, तो लेट्स सी।
हमने पद्मावती माता जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर भी और मंदिर हैं तो वहाँ के भी दर्शन करते हैं। तो भी यहाँ पर काफ़ी धूप है और हमने भी भूमिया जी महाराज के दर्शन किए। पहले हम जब आए थे तब ये सारी मूर्तियाँ पीछे जो आप देख रहे हैं भगवान की, ये बनी नहीं थी और अभी आप देख सकते हैं कि ये बन गई है, बट अभी ऊपर जाना अलाउड नहीं है बिकॉज़ अभी भी काम चल रहा है। ये जो आप लाल पोटली देख रहे हैं इसमें नारियल रखा जाता है और यहाँ पर बांधा जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग यहाँ पर मन्नत लेते हैं। तो हमने जस्ट अभी आदिनाथ भगवान के दर्शन किए एंड ये टेंपल जो है वो 2200 ईयर्स ओल्ड टेंपल है। जब भी मंदिर आते हैं तो काफ़ी सुकून मिलता है। देखिए मंदिर की कलाकृतियाँ, सर्प बनाए हैं एंड हाथी बनाए हुए हैं और ये देखिए ऊपर। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं भोजनालय और यहाँ पर छोटा सा पार्क भी है बच्चों के खेलने के लिए, पर अभी आई थिंक बंद है वो बिकॉज कोई भी नहीं दिख रहा है। तो भोजनशाला में एक प्लेट जो है वो 80 रुपये की है और अनलिमिटेड खाना रहता है और इसमें दो सब्जियां, एक दाल और कभी रोटी और कभी पराठे और मिठाई, एक मिठाई बनाते हैं अभी आज जो बनी है वो बर्फी टाइप का बना है और एक नमकीन का चिवड़ा टाइप का है एंड चावल भी है ऑफकोर्स, दाल और चावल जो सबका फेवरेट। 80 रुपये का जो प्लेट है और यहाँ पर अच्छा पूरा भरपूर आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं, तो ये लाभ आपको सिर्फ जैन मंदिरों में ही मिल सकता है। ऑल राइट, तो पद्मावती जैन टेम्पल के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं KRP डैम।